नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर्मेशन और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। सुशांत सिंह राजपूत के मौत मामले को लेकर अब बिहार सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है, जिसका बिहार में सभी राजनेताओं ने स्वागत भी किया है। अब इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि हमने तो पहले ही मांग की थी, सबसे पहले बिहार में हमारी ही पार्टी ने सीबीआई जाँच की मांग को उठाया था और अब जाकर सीबीआई जाँच की सिफारिश नीतीश कुमार कर रहे हैं। उन्होंने और क्या कुछ कहा है, आप पहले सुनिए। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल पहली ऐसी पार्टी है जिसने सीबीआई जांच की मांग की थी। हम लोग परिवार के लोगों से भी मिले थे, उस समय भी जो है निकल करके हम लोगों ने बात रखा था और बाद में शेखर सुमन आए थे तभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को मजबूती के साथ रखा और कल भी बिहार विधानसभा में इस बात को मजबूती से रखा। बेहतर होगा कि अभी अनुशंसा शायद अभी लिखी जा रही है, करने जा रहे हैं, तो बेहतर होगा कि सीबीआई के साथ साथ कोर्ट मॉनिटर्ड जांच जो है वो होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने पहले भी देखा है कि सीबीआई को जो केसेस गए हैं, जैसे बिहार में ही एक उदाहरण ले लें तो नवरुणा चक्रवर्ती का जो केस था, अब तक जो है उस पर कोई नतीजा नहीं आया है। 7 से 8 साल हो गए हैं, कोई परिणाम नहीं आया है, तो हमें डर है कि कहीं इस मामले में भी जो है कहीं इतना समय ना लग जाए, इसलिए कोर्ट मॉनिटर द्वारा जांच होनी चाहिए। और हमने पहले भी मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखा था जिसका कोई जवाब नहीं आया। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वालों से मिलने के लिए बहुत पहले ही तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव दोनों ही पहुंचे थे। उस दरमियान भी जब मीडिया से मुखातिब हुए थे तो उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की थी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी मांग किया था कि राजगीर में जो फिल्म सिटी बन रहा है उसका नाम भी सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर कर देना चाहिए। इसको लेकर उन्होंने बकायदा एक पत्र भी सीएम नीतीश कुमार को लिखी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो फिल्म सिटी है उसका नाम सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर कर दिया जाए। और लगातार ये मांग जो है बिहार के जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी तरफ से उठाया जा रहा था, खासकर तेजस्वी यादव और चिराग पासवान इसको लेकर सबसे ज़्यादा मांग कर रहे थे कि सीबीआई की जांच इसमें होनी चाहिए। और अब जब सीएम नीतीश कुमार ने इसकी सिफारिश कर दी है तो ऐसा लग रहा है कि शायद अब इसमें निष्पक्ष तरीके से जाँच हो पाए और जो सच्चाई है वो सामने आ पाएगी। शादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ फॉर्मेशन के साथ। नमस्कार।